और गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑस्ट्रेलियन वॉलेट का शॉप है, ट्रक लगे हुए हैं जहाँ से लोग अपना ड्रिंक खरीद रहे हैं, फूड खरीद रहे हैं। हम तीनों के लिए ये जो है कि पहला दिन है और ये लोग भी हमारी तरह टूरिस्ट हैं, लोकल प्लेस को विजिट कर रहा हूँ तो लोकल फूड भी थोड़ा ट्राई करते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया से है तो ये लोग यमी लग रहा है गाइस। और ये भाई इजिप्शियन। तो भाई इस प्लेस को बोलते हैं सर्कुलर की, जो कि रॉक्स प्लेस के जस्ट 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो भाई सैटरडे और संडे को कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने के लिए मिलता है अगर आप रॉक्स प्लेस पे विजिट करते हो। और आप लोग देख सकते हो गाइस, तो गाइस कुछ इस तरह का नज़ारा है। हमारे पीछे ये लाइव म्यूज़िक भी चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ड्रिंक्स के ट्रक लगे हुए हैं जहाँ से लोग अपना ड्रिंक खरीद रहे हैं, फूड खरीद रहे हैं। तो कुछ इस तरह का लोकल एक्सपीरियंस लोग करते हैं सिडनी में। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई कुछ पुराने ज़माने का ये पोस्ट ऑफिस लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो पोस्ट बॉक्स, कुछ इस तरह का ये पुराने ज़माने का पोस्ट बॉक्स है यहाँ पे इस मार्केट में। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ ये लोग छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं आप लोग देख सकते हो, और ज़्यादातर टूरिस्ट इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और यहाँ पे भी कुछ शॉप वगैरह लगा हुआ है। तो गाइस अभी जो है मैं सिडनी हार्बर ब्रिज के ठीक नीचे खड़ा हूँ और कुछ इस तरह का नज़ारा है हमारे आसपास का, और ये हार्बर ब्रिज है। और भाई अभी मैं एक मार्केट विजिट करने के लिए आया हूँ जो कि हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो। इस प्लेस को बोलते हैं रॉक्स मार्केट, जो कि हमारे होटल के लोगों ने रिकमेंड किया है कि यहाँ रॉक्स प्लेस पे एक लोकल बाज़ार लगता है जो कि सिर्फ शनिवार और संडे को, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगता है, 10 से 5। तो यहाँ इस मार्केट में जैसे कि जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता है, फूड वगैरह होता है, तो उन्हीं सब चीज़ों का स्टॉल लगा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं यही सब आप लोगों को दिखाऊंगा कि सिडनी में जो लोकल मार्केट होता है उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है और उसमें क्या क्या खरीदने के लिए मिलता है और उसका क्या प्राइस होता है। तो आज की वीडियो में यही सब मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों को जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो भाई यहाँ से ये मार्केट शुरू हो रहा है और इस मार्केट को बोलते हैं रॉक्स मार्केट। और आप लोग देख सकते हो लोग अपना कुछ खाने पीने का एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं कुछ इस तरह के। तो भाई ये एक इजिप्शियन फूड का स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे देखो ये स्मॉल मील है, चिप्स वगैरह है जो कि $6 का मिल रहा है, लगभग 300 रुपये का हो जाएगा, 300-500 के आसपास का ये फूड है, देखने में बहुत ही यमी लग रहा है गाइस। और ये भाई इजिप्शियन फूड होता है, और ये शॉप के ओनर होते हैं और कुछ इस तरह से लोग शॉपिंग। What country food is this, sir? This is Spanish paella. Spanish paella. 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 तो भाई ये स्पैनिश लोगों का ये फूड का स्टॉल यहाँ इस लोकल मार्केट में लगा हुआ है। This is one chicken and chorizo paella. Chicken and? Chicken and chorizo paella. Okay, chicken and chorizo. This is one of the most popular in Spain. Okay, really? And how much for this one, sir? This is $17 each share. And okay. Paella is coming here in this small paella pan. Huh? It's really nice. Hmm? $17. Yeah, this is the vegan paella. Huh? It's only vegetables in. So this one vegetarian and this one with the chicken. Yeah, and I'm going to put here now for you the seafood one. Okay. So
तो भाई कुछ इस तरह का ये स्पैनिश फूड का स्टॉल लगा हुआ है और ये कुछ ऐसा लोकल बाजार होता है जो कि देसी फूड वन। अच्छा, ओह लुक्स यम्मी। तो भाई ये सी फूड का पाया है, पाया सो ये सी फूड पाया है और ये वेजिटेरियन है और ये सामने चिकन है और कुछ इस तरह से ये कुकिंग हो रहा है। बहुत ही यम्मी लग रहा है भाई ये। ओके, सो दिस इज ए स्पेशल राइस मेड बाय या ओके। थैंक यू। तो गाइस ये स्पैनिश फूड है जो कि मैंने वहाँ से लिया है और ये मुझे मिला है $17 लगभग 850 रुपये का रॉक्स मार्केट में। तो भाई लोकल प्लेस को विजिट कर रहा हूँ तो लोकल फूड भी थोड़ा ट्राई करते हैं एक अलग ही एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये जो है कि स्पैनिश पाया जिसको बोलते हैं और इसका प्राइस जो है गाइस 850 रुपये है और इसमें चिकन है, राइस है, वेजिटेबल है, तो ये मिक्स है और जो कि मुझे 850 रुपये का मिला है इस लोकल मार्केट में। और कहने हैं व्हाट फूड यू हैविंग सर? गोजले में? यस। एंड हाउ मच डिड यू पे फॉर? $14. Yeah. And where are you from, sir? England. England. And you? I'm from Adelaide. Huh? Adelaide, Australia. Yeah. Okay, so you together traveling. Yeah. So भाई यहाँ पे ये कपल बैठे हुए हैं जो कि ये इंग्लैंड से है और ये ऑस्ट्रेलिया से है, तो ये लोग बैठे हुए थे तो इन्होंने मुझे बोला कि यहाँ बैठ के मैं खा सकता हूँ। तो how do you like the experience of this local market? Yeah, it's good. We love markets. Sorry? Yeah, we love markets. Like we you went love to, market. Yeah, we went Gold Coast and the markets were good there. We love a good walk around in the markets, really good time. And then we only got here last night late, so yeah. This is the first thing we've done. And okay, then so first we'll see. Thing you're doing today in yeah, Sydney. Yeah, this yeah. Is the first and thing. What about you? I'm loving it. Sorry? I'm loving it. You love this market? Yeah. Is that nice. Your first time? Yeah, I've never been here before. Okay, so. Just exploring. Yeah, that's good. हम तीनों के लिए ये जो है कि पहला दिन है और ये लोग भी हमारी तरह टूरिस्ट हैं जो इस लोकल मार्केट को विजिट कर रहे हैं और ये भाई साहब जो इंग्लैंड से है और ये जो है इनकी महबूबा जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो भाई कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है इस रॉक मार्केट का और ये फूड जो मैंने लिया है ये मुझे 850 रुपये का मिला है। तो चलो गाइस आप लोग इंजॉय करो। तो कुछ इस तरह का है भाई ये और बहुत ही स्वादिष्ट खाना है भाई, बहुत ही स्वादिष्ट। तो ये जूस का स्टॉल लगा हुआ है आप लोग देख सकते हो और जूस जो है $9 का मिल रहा है, चाहे कोई सा भी आप चूज कर लो, लगभग 450 रुपये का जूस मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस इस मार्केट में ना तरह तरह का फूड का भी स्टॉल लगा हुआ है जिसमें तुर्किश हो गया, जूस हो गया, स्पैनिश फूड हो गया, तो यहाँ पे तरह तरह का जो है कि फूड का भी स्टॉल लगा हुआ है और प्राइस समझ लो गाइस कुछ सस्ता नहीं है। अगर आप एक गिलास जूस लेते हो ना तो 450 रुपये का जूस मिलता है एक गिलास, चाहे किसी भी क्वालिटी का लो। और फूड जो मैंने ट्राई किया वो था 850 रुपये का भाई, $17 का फूड था, तो सस्ता नहीं है भाई। तो भाई यहाँ पर एक जूस का स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ हिंदी पर लिखा हुआ है साइडर और ये आइस टी है जो कि $5 का ये लोग सेल कर रहे हैं। और कुछ इस तरह का इनका शॉप है भाई, मैंगो टी और मैंगो लस्सी है, मैंगो मिल्क है, तो कुछ इस तरह का ये स्टॉल लगा हुआ है इनका। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये लगा हुआ है एक बेकरी का स्टॉल लगा हुआ है। अगर आप एक डोनट लेते हो यहाँ पे तो 350 रुपये का इस मार्केट में एक डोनट मिलता है। तो गाइस इस मार्केट में जो है कि मैंने आपको हर एक चीज़ रियलिटी में दिखाया कि फूड कितने का है, आइस टी वगैरह कितने का है और ये हार्बर ब्रिज के नीचे ये जो मार्केट है रॉक्स मार्केट ये कैसा है, लोग कैसे यहाँ पर वॉकिंग शॉपिंग कर रहे हैं। तो मैं अपना जो रियल एक्सपीरियंस है यहाँ सिडनी में वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
तो भाई यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह का शॉप है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये ऑस्ट्रेलियन वॉलेट है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक ऑस्ट्रेलियन वॉलेट का शॉप है जो कि कुछ इस तरह का है। और ये ज्वेलरी का शॉप पे, तो गाइस यहाँ अगर किसी शॉप पे सबसे ज़्यादा भीड़ है ना, तो ज्वेलरी और फूड, क्योंकि भाई ज्वेलरी शॉप वुमेंस का फेवरेट होता है और फूड तो सबके लिए फेवरेट होता है। तो जो कि यहाँ इस मार्केट में दो प्लेस में बहुत ज़्यादा ही क्राउड है, ज्वेलरी शॉप और फूड दोनों पे। तो भाई कुछ नेपाल के भी आइटम यहाँ पे बिक रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और ये शॉप का नाम है हैंडमेड इन नेपाल। तो ये आप लोग देख सकते हो सिंगिंग बॉल वगैरह यहाँ पे बिक रहे हैं। How much is the price for this one? With the print on it, it's $39.95. Without the print, $29.95. Okay. So, भाई अगर इस शॉप पे जो ये फ़ोन का कवर है $39 का है, और एयरपोर्ट का भी कवर है जो कि $39 का है, लगभग 2000 रुपये का है। और ये हैंडमेड है भाई, तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम इस शॉप में। थैंक यू। हैंडमेड या तो भाई हैंडमेड ज्वेलरी का शॉप कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। और गाइस ये सामने जो है कि बच्चों का जो है कि कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ है, और जैसे कि न्यू बॉर्न जो होते हैं बच्चे, उनका ये स्टॉल लगा हुआ है कपड़ों का। लोग अपना वॉकिंग का एंजॉय कर रहे हैं। और भाई इसको बोलते हैं बिन चिकन, जो कि सिडनी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई इस मार्केट में ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट ही मिल रहा है। और अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, और अभी मैं पीछे एक शॉपमैन से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि अभी एक दो घंटे में और भी भीड़ भर जाएगा, क्योंकि अभी तो लोग आना स्टार्ट किए हैं। और ये शॉप जो है सुबह 10 से 5 तक रहता है। और गाइस ये जो है कि ज्वेलरी का शॉप है यहाँ पे, जो कि हैंडमेड ज्वेलरी वगैरह होता है यहाँ पे। और कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस यहाँ पे। तो भाई लाइफ में ना हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहिए। और अभी मैं इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो कि हार्बर ब्रिज के नीचे है। और ये मार्केट सिर्फ सैटरडे और संडे को लगता है, और इस मार्केट को बोलते हैं रॉक्स मार्केट, जो कि हार्बर ब्रिज के बिल्कुल पास में ही है। और बहुत सारे शॉप लगे हुए हैं गाइस यहाँ पे। भाई जो लोकल मार्केट, लोकल बाज़ार होता है किसी भी कंट्री का, उसे वॉकिंग करके एक्सप्लोर करने में बहुत अलग ही मज़ा आता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे जैसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं, कुछ लोकल भी होंगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लोग अपना भरपूर इस मार्केट का वॉकिंग का इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग का वॉकिंग का भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे पीछे आप लोग ये रॉक्स भी देख सकते हो। ये जो रॉक्स मार्केट है ना, ये एक्सप्लोर करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेस है अगर आप सिडनी में ट्रैवलिंग कर रहे हो तो। और याद रखना, ये रॉक्स मार्केट सिर्फ सैटरडे और संडे को लगता है। तो अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हो तो बिल्कुल फ्री होके विज़िट करो, क्योंकि ये मार्केट टोटली फ्री है।
कोई टिकट प्राइस नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो और यहाँ सिडनी का जो लोकल एक्सपीरियंस है वो आप कर सकते हो। तो भाई कुछ इस तरह का आज का एक्सपीरियंस था इस रॉक्स मार्केट का। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे अभी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो आने वाली हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।